गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं बात करूंगी सेल्फ लव। तो होता क्या है ये सेल्फ लव? व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, व्हेन यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ एंड यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। जनरली सेल्फ लव का मतलब खुद को जो अच्छा लगे वो करना, जिससे खुद को आनंद मिले वो करना, इंडिपेंडेंट रहना। बट अकॉर्डिंग टू मी सेल्फ लव का मतलब खुद को जो अच्छा लगे वो करना ऐसा नहीं है, बल्कि खुद के लिए जो अच्छा है वो करना। व्हाट इज माय मीन? कुछ लोग सेल्फ लव के बारे में गलत फहमी में है कि वो जो चाहे कर सकते हैं। इनके सेल्फ लव के लिए दूसरों के दिल को चोट पहुँचे फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार जो चीज़ें आपको खुश करती हैं या जिनसे आपको आनंद मिलता है वो आपके लिए सही हो, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हेल्दी रखे, आपको सच्ची खुशी दे और दूसरों की खुशियों में बरकरार रहे, इसे कहते हैं सेल्फ लव। जब हम कुछ अच्छा करते हैं या सफल होते हैं तो हमें खुद पर बड़ा प्यार आता है। लेकिन हमसे गलती से भी कोई गलती हो जाए तो दूसरों को गलत बोलते हैं, लेकिन हम भी खुद को बहुत कोसते हैं, खुद को दोषी मानकर सजा देते हैं, दुखी होते हैं। तो इसे सेल्फ लव नहीं कहा जा सकता। सिचुएशन कोई भी हो, आप खुद को अप्रिसिएट करते रहो, गलती होने पर खुद को माफ़ करते हो, उन गलतियों को सुधारने के लिए एक्शन लेते हो, खुद पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए प्रयास करते हो, तो आप सच में खुद से बहुत प्यार करते हो। अपने माइंड, बॉडी और सोल, इन तीनों को अगर खुश रखना है तो समझिए आप खुद से प्यार करना सीख गए। सेल्फ लव के बारे में एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है, यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। इसका मतलब जब आपके पास ही नहीं होगा तो आप दूसरों को कैसे दे पाएंगे। लाइब्रेरी में पहुंच चुकी थी और मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया अपना टू डू लिस्ट। तो मैंने पूरे वीक पॉलिटी और हिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था, तो मैंने लगभग 25% पॉलिटिक कवर भी कर लिया। तो मैंने सोचा कि आज संडे है तो कर लेते हैं रिवीजन, क्या पता जो मैंने पिछला पढ़ा था वो मेरे दिमाग में है भी या नहीं। क्योंकि आगे बढ़ते जाएंगे अगर पिछला रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर पढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं और आगे बढ़ने से भी कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने निकाले नोट्स और मैंने स्टार्ट कर दी रिवीजन। रिवीजन ही वो पॉइंट है जो हमें इस रेस में आगे ले जाएगा, क्योंकि जिसका भी अगर एग्ज़ाम में नहीं होता है तो वो सिर्फ कट ऑफ से 10% ही नीचे रहता है। मान लीजिए कट ऑफ गई है 100 तो आपकी आएगी 91.89। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि हमारे 20 या 50 आते हैं। जब हम उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कट ऑफ से सिर्फ 10% ही दूर होते हैं, और इस 10% की दूरी को सिर्फ रिवीजन के द्वारा ही कम्पीट किया जा सकता है, उसे हटाया जा सकता है। लाइब्रेरी से आने के बाद मैंने लगभग 2 से 2.25 घंटे रेस्ट किया, लंच किया, बाकी जो भी मेरे काम थे सुबह से पड़े हुए थे उसको मैंने किया। और यहाँ मैं अपना टाइमर स्टार्ट कर दूँगी और फिर मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी हिस्ट्री। तो मैंने मंगाए थे नोट्स जो कि हिस्ट्री के हैं, और मैंने वीडियोज़ लेक्चर भी बहुत देखे थे खान सर के, तो उसी को मैं अभी रिवाइज कर रही हूँ जो मैंने लाइब्रेरी में वीडियोस देखे थे। तो यहाँ मैं पढ़ रही थी अकबर के बारे में। अकबर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैंने बहुत बार पढ़ चुका है, बट इतना डिटेल से इस नोट्स में दिया हुआ है बहुत ही अच्छे से, बहुत ब्रीफली, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। बहुत अच्छे से लिखा हुआ था और मुझे पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लग रहा था, बोरिंग टाइप का कुछ भी नहीं था। वैसे भी खान सर के लेक्चर बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होते, जिसको पढ़ने का मन भी नहीं होता वो भी पढ़ सकता है, और वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा तो सबको पता है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ रिवीजन। तो पढ़ते पढ़ते मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने लिया एक एप्पल और उसको कट किया और मैं उसको खाऊंगी, और शॉर्ट ब्रेक लेने के बाद फिर से मैं अपने स्टडी पर बैठ जाऊँगी। बहुत सी हाउसवाइफ होती हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि उनको टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए, इतना ज़्यादा काम होता है कि उनके, मान लो उनके फैमिली मेम्बर हैं जो हैं उनको गर्म खाना चाहिए, या बहुत सारी फरमाइशें होती हैं, तो वो लोग बोलती हैं कि मतलब कि मैं कैसे पढ़ूँ, वहाँ पे कैसे अपना मतलब बात बोलूँ, कि अपने आप अपने लिए बोलूँ।
तो फिर ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ससुराल में आप अपनी बात कह सकें। अगर आप सच में तैयारी करना चाहती हैं या फिर कोई जॉब लेना चाहती हैं, तो सबसे पहले अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कीजिए, और जो भी टाइम बचता है उसमें से पहले एक घंटा स्टार्ट कीजिए पढ़ना, और देखिए क्या मैं मुझसे ये हो पा रहा है या नहीं, मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँगी नहीं। तब उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इस ड्रीम जॉब के लिए, जो भी आप करना चाहती हैं उसके लिए मैं इतनी मेहनत कर सकती हूँ, तब आप अपना जो भी बात है उसको कहिए, तब उसको कहने में भी अच्छा लगेगा। और वैसे भी इंडिपेंडेंट होना कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता कि वो फाइनेंशली इंडिपेंडेंट हो, खासकर इस दौर में। लोग तो बोल ही देते हैं बस कि हाँ पहले क्यों नहीं पढ़ा, शादी से पहले ही पढ़ लेती, जॉब कर लेती, अभी पढ़ने का क्या फालतू का दूचली बाजी है ये सब वगैरह वगैरह। बस ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने अभी सोचा है तो अभी से स्टार्ट कीजिए, मेहनत करने से सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ मैं ले रही थी डिक्टेशन, और डिक्टेशन लूँगी, और मैंने इसके शॉर्ट्स में भी इस वीडियो का डाला था, और फिर इसके बाद डिक्टेशन लेने के बाद मैं जाऊँगी ट्रांसक्राइब करने के लिए। और एक बात, जब तक आप खुद से नहीं आएंगे ना, अंदर से आपको नहीं आएगा कि फीलिंग कि हाँ मुझे करना है करना है, तो फिर अगर जिस दिन आ गया ना कि हाँ एकदम पावरफुल मोटिवेशन, तब उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता, और आपको कोई भी हेजिटेशन नहीं होगी किसी से अपनी बात रखने में और अपनी बात कहने में। और जब आप उसी चीज़ में अपनी जो सक्सेस पा लेंगे ना, तो उसके बाद तो आपको पता ही है कि क्या होने वाला है। तो फिर मैंने डिक्टेशन जो लिया था उसी को मैं ट्रांसक्राइब कर रही हूँ। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी मोटिवेटेड और अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं टाइपिंग करने के बाद। स्टॉप, और चलते हैं डिनर बनाने के लिए। डिनर में आज बन रही है भिंडी जो कि है रस वाली, और रोटी बनाऊंगी, और यहाँ मेरी क्यूट सी हेल्पर आ चुकी है। क्या कर रही हो? मैं क्यों तुम भी तो सकती हो, तुम थक जाओगी मम्मा। इसी मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी सब कदर करे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कदर करनी होगी। आपको पहले अपने अंदर मौजूद खूबियों को पहचानना व स्वीकार करना होगा, उनकी कदर करनी होगी, क्योंकि हर किसी के अंदर ऐसी कई खूबियां होती है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। आप जैसे भी हैं, आप जो भी कर रहे हैं, कर सकते हैं, कर रहे हैं, उसकी कदर करें। अपने बीते समय को स्वीकारते हुए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर काम करें, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। खुद के लिए टाइम निकालें, ऐसे में अपने लिए वक्त निकालें, उस वक्त में अपनी पसंद की जो भी चीज़ें हैं वो करें, और फिर डिसाइड करें कि आपको लाइफ में करना क्या। और लास्ट में यही कहूँगी कि कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए, क्योंकि जो दूसरों में जो चीज़ पाई जाती है, ज़रूरी नहीं कि वो आप में हो, और जो आप में कोई अच्छाई या खूबी होगी, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरों में। हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, बस उसे हमें देखने की ज़रूरत होती है, और वो हम तभी देख पाएंगे जब हम अपने ऊपर काम करेंगे। तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।